आगे हम देखते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ड्रग ड्रग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है होम्योपैथिक फार्मेसी में इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में भी आ सकता है या जो क्वेश्चन है आपका रिपोर्टरी में भी आ सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल में आता है वो आता है फार्मेसी में जो ड्रग हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनते हैं जो आपको आने चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ड्रग डेफिनेशन जैसे डिफाइन करते हैं द वर्ड ड्रग डेराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि ड्रग जो है वो कौन से वर्ड से ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड कौन से वर्ड से ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड से हुआ फ्रेंच वर्ड कौन सा है ड्रोग कौन सा वर्ड है ड्रोग डी आर ओ जी यू ई ड्रोग जो है ये इम्पॉर्टेंट फ्रेंच वर्ड है ये ड्रग जो वर्ड है इससे क्या बना हुआ है ड्रग बना हुआ है ये एक फ्रेंच वर्ड है ठीक है आगे जिसका मतलब होता है इसका मीनिंग होता है आ ड्रग हर्ब जिसका मीनिंग होता है आ ड्रग हर्ब ठीक है ना जो ड्रग है वो फ्रेंच वर्ड फ्रेंच वर्ड ड्रोग से क्या हुआ है ओरिजिन हुआ है और जिसका मीनिंग होता है आर ड्रग हर्ब आर ड्रग हर्ब ये अपने आप में क्वेश्चन है फ्रेंच वर्ड जो है ये फ्रेंच से हुआ ये गवर्नमेंट जॉब का है ड्रग ये भी अपने गवर्नमेंट जॉब का है और उसका मीनिंग है आर ड्रग आर ड्रग हर्ब ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आगे हम देखते हैं डेफिनेशन एग्जैक्ट वॉट इज द मीनिंग ड्रग इज़ थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक एजेंट ड्रग क्या ड्रग इज थेराप्यूटिक एजेंट कौन सा एजेंट है थेराप्यूटिक एजेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप क्या लगा ड्रग क्या है थेराप्यूटिक एजेंट है प्रिपेयर्ड फार्मास्यूटिकली कैसा करते हैं इसको फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड करते हैं फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग सब्सटेंस स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग सब्सटेंस जो स्टैंडर्ड ड्रग सब्सटेंस होता है उसका यूज़ करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वहाँ में वहाँ पे क्या करते हैं इसे प्रिपेयर करते हैं जो क्या है थेराप्यूटिक एजेंट है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मोकोपिया जो फार्मोकोपिया है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फार्मोकोपिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो फार्मोकोपिया है जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ठीक है होम्योपैथिक ड्रग की बात करें होम्योपैथिक फार्माकोपिया और यहाँ बात कर रहे हैं फार्माकोपिया तो जो फार्माकोपिया है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडाइज ड्रग सब्सटेंस को लेके फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर करते हैं किसे थेरापेटिक एजेंट कॉल्ड ड्रग ठीक आगे बात करेंगे विच इज सफिशेंटली कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग सेंसेशन फंक्शन एंड इस्ट्रक्चरल चेंजेस जो हम ड्रग बना रहे हैं जिसे हम थेरोरापेटिक एजेंट कह रहे हैं उस ड्रग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, चाहिए? स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का फंक्शनल चेंजेस लाने का एंड सेंसेशन को प्रोड्यूस करने का सेंसेशनल चेंज लाने का फंक्शनल चेंज लाने का स्ट्रक्चरल चेंज लाने का उसमें क्या होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस ड्रग मटेरियल में ठीक है एंड मे कॉज डेथ कभी कभी क्या कर सकता है ये डेथ कॉज कर सकता है इफ़ कंटिन्यूसली फॉर आ सफ़िशियन टाइम एंड सफिशेंट डोज सफिशियंट टाइम और सफिशियंट डोज तक देते हैं तो मे भी क्या कर सकता है डेथ कॉज कर सकता है तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं किसमें ड्रग में तो ड्रग इज़ आ थेरापटिक एजेंट ड्रग क्या है एक थेरापटिक एजेंट है ठीक है और प्रिपेयर्ड फार्मास्यूटिकली फार्मास्यूटिकली मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रिपेयर करते हैं कहाँ से करते हैं स्टैंडाइज्ड ड्रग सबस्टेंस से करते हैं रेगुलेशन करते हैं जो ड्रग होता है सफिशियंट उसमें कैपेबिलिटी होती है सेंसेशन चेंजेस के लिए के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए किसमें ह्यूमन बॉडी में और कभी कभी वो डेथ भी कॉज कर सकता है यदि हम उसे सफिशियंट टाइम में और सफिशियंट डोज सफिशियंट टाइम तक और सफिशियंट डोज में दें तो।, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें होते हैं प्रॉपर्टी होती हैं ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी ड्रग की तो जब भी आप ड्रग बोलोगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पूरा आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो ये डेफिनेशन है किसकी ड्रग की मोस्ट आईम पी है जो शॉर्ट नोट्स में आती ही है ठीक आगे बात करेंगे एच ए हम देखते हैं एच ए रॉबर्ट एच ए रॉबर्ट जो है ये क्या बोलते हैं ड्रग के बारे में इनके अकॉर्डिंग ड्रग क्या है अ ड्रग इज़ एनी मटेरियल एजेंट वो क्या है एनी एनी मटेरियल एजेंट किसी भी टाइप का जो मटेरियल एजेंट है उसे वो ड्रग बोल रहे हैं इन एटीन्यूटेड फॉर्म में किस फॉर्म में होता है एटीन्यूटेड फॉर्म में होता है इंजेक्शन ऑफ विच जब वो इस एटीन्यूटेड फॉर्म वाला जो ड्रग मटेरियल है उसे क्या करते हैं वो लेते हैं कोई भी इंजेक्शन ऑफ विच इस कैपेबल ऑफ सो डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स उसमें कैपेबिलिटी होती है जो वाइटल फोर्स होता है ह्यूमन बॉडी का उसे चेंज करने का उसे डिस्टर्ब करने का उसमें चेंज लाने की कैपेबिलिटी होती है तो रॉबर्ट जो एच ए रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ट्रग सबस्टेंस वो होता है वो एनी मटेरियल एजेंट जो बॉडी के अंदर जाकर वाइटल फोर्स में चेंजेस लेके आए वाइटल फोर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे वाइटल फोर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा ड्रग कहलाएगा एच रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एंड दैट द फंक्शनिंग ऑफ वन एंड मोर ऑर्गन ऑफ बॉडी जो बॉडी में जाकर वाइटल फोर्स को चेंज कर दे बैलेंस वाइटल फोर्स को चेंज कर दे साथ में बॉडी में जाकर वन एंड मोर मोर देन वन जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन क्या करे वो चेंजेस लेके आ गए वहाँ पर भी वो क्या करके लेके आए चेंजेस लेके आए एंड इज नो लॉन्गर कैरी आउट लेकिन लंबे समय तक वो चेंजेस फंक्शन चेंजेस को ना रखे टू बेस्ट ऑफ होल ठीक टू बेस्ट ऑफ होल ठीक है एनी मटेरियल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सो एक्टिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ ड्रग ठीक तो जो एच ए रॉबर्ट एक्जैक्टली क्या बोल रहे हैं एनी मटेरियल एजेंट एटीन फॉर्म में हो जो बॉडी में जाए और जो बैलेंस जो है ऑफ द वाइटल फोर्स उसी का कर दे डिस्टर्ब कर दे साथ में ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन हैं एक या एक से अधिक ऑर्गन्स में क्या करे फंक्शनल चेंजेस कर दे लंबे समय तक वो उसे कैरी ना करे ठीक है ये होता है एग्जैक्टली exactly क्या होता है ड्रग होता है एंड एनी मटेरियल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सो एक्टिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अपना एक्शन दिखाता है वो मटेरियल एग्जैक्टली exactly क्या कहलाता है ड्रग कहलाता है तो एच ए रॉबर्ट के लिए आपको याद करना पड़ेगा एनी मटेरियल एजेंट एटीन्यूएट फॉर्म में हो जो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब कर दे हमारे बॉडी के ऑर्गन एक एक से अधिक ऑर्गन पर क्या करे चेंज करे लेकिन वो लंबे समय तक ना हो एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करे वो एक्शन दिखाए ये सब क्वालिटी ये सबको क्या बोलते हैं ड्रग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट आगे बात करेंगे टाइप्स ड्रग्स के टाइप्स क्या हैं मदर टिंचर मदर सलूशन मदर सब्सटेंस मदर टिंचर मदर सल्यूशन मदर सब्सटेंस तीन टाइप के ड्रग्स हैं मदर टिंचर मदर सल्यूशन मदर सब्सटेंस कैरेक्ट देखेंगे कैरेक्टर ऑफ ड्रग कैरेक्टर ऑफ ड्रग में देखेंगे साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रूड ड्रग मतलब क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाइंग identify... साइंस है वेरी इम्पॉर्टेंट मतलब क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करना जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टू होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करना जो क्रूड ड्रग जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वाले हैं उस क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करना उसको कैलकुलेट <coughs> करना होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड नॉलेज ऑफ फिजिकल करेक्टर्स ऑफ ईच ड्रग इज़ क्वायर्ड क्या होता है आपको नॉलेज होना चाहिए और आइडेंटिफाई यदि करना है किसी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को तो आप उस फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए फ़िजिकल कैरेक्टरिस्टिक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ड्रग हर ड्रग का जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका नॉलेज होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए क्रूड ड्रग को किसके द्वारा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के द्वारा यदि किसी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को कोई ड्रग को पहचानना है क्रूड ड्रग को पहचानना है और किस उसने मेडिसिन बनाना है मेडिसिन बनाने, बनाने से पहले उस क्रूड क्रूड ड्रग को पहचानने के लिए उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना <coughs> ठीक बाई कम्पेरिजन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग विथ इट एक्चुअल स्पेसीमैन एग्जैक्टली क्या होता है जो होम्योपैथिक फार्मासट होते हैं जो जो जिन्हें क्या है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए वो क्या वो तो होना चाहिए और वो एग्जैक्टली exactly करते क्या हैं जो उनके पास एक आइडियल एक्चुअल जो स्पेसीमैन होता है ठीक है और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो उससे उस क्रूड ड्रग सब्सटेंस जो नया क्रूड ड्रग सब्सटेंस आया है उस क्रूड ड्रग सब्सटेंस को जो उनके पास पहले से स्पेसिमेन रखा होता है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन रखा है उससे वो कंपेयर करते हैं फिजिकली एट्रेस को कि नॉलेज को अपडेट करते हैं एंड फाइनली क्या करते हैं आइडेंटिफाई करने में क्रूड ड्रग सब्सटेंस को जानने में उनको इससे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलती है स्पेसिफिक किससे पर्टिकुलर ड्रग विद द एक्चुअल स्पेसीमेन एक्चुअल स्पेसीमेन होता है हर इंडिविजुअल क्रूड ड्रग सब्सटेंस का स्पेसीमे होता है उसका डिस्क्रिप्शन होता है उससे वो एक्जैक्टली exactly कंपेयर करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक ड्रग में हम लोग आगे देखते हैं जो हम बात कर रहे हैं फिजिकल कैरेटरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को आना चाहिए वो फिज़िकल कैरेटरस्टिक्स क्या क्या होती हैं पर्टिकुलरली बात करेंगे हम लोग टेस्ट ठीक है स्मेल उसका शेप कलर वेट जो फिज़िकल कैरेटिस्टिक्स की बात कर रहे थे जिससे कंपेयर करके हम क्रू ड्रग को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ड्रग का टेस्ट कैसा है ड्रग की स्मेल कैसी है ड्रग का शेप कैसा है ड्रग का कलर कैसा है और ड्रग का वेट क्या है ये इम्पोर्टेंट कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिज़िकल प्रॉपर्टी इस फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्या कर सकता है वो उस क्रूड ड्रग सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है रीड कर सकता है आगे बात करेंगे इम्प्योरटीज ऑफ ड्रग इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग ये भी अपने आप में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है इम्प्योरटीज़ में क्या है कब कब मिलती है इम्प्योरिटीज़ इम परफेक्ट सलेक्शन यदि आप प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन नहीं करते हैं प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करेंगे आप किसका क्रूड ड्रग वेजिटेबल का एग्जेक्टली exactly जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है वो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ हमको मिलेगी तो पहले इम्प्योरिटी का कारण क्या है इम परफेक्ट सलेक्शन ऑफ क्रूड वेजिटेबल या क्रूड ड्रग सब्सटेंस पहला कारण है दूसरा है इम परफेक्ट प्रिजर्वेशन ड्रग सब्सटेंस को यदि आप प्रॉपरली प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं क्योंकि जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस होते हैं उस पर लाइट का एयर का एंड डिफरेंट टाइप के जो एटमॉस्फेयर के जो वैक्टर्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उससे उसको ड्रग सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो सकती है तो यदि आप प्रॉपरली इसको प्रिजर्व नहीं करते हैं परफेक्ट प्रिजर्वेशन करते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्योरिटी के लिए इमरज़ ऑफ ड्रग के लिए ठीक है ना आगे बात करेंगे इम्परफेक्ट प्रिपरेशन यदि आप उसे प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हैं उसक्रूड ड्रग सब्सटेंस का यूज़ करके प्रॉपर प्रिपरेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं प्रॉपर पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं तब भी हमें क्या मिल सकती है इम्प्योरिटीज़ मिल सकती है एंड एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन मतलब उसमें यदि आप मिलावट हमें जो ड्रग सब्सटेंस ले रहे हैं वो मिलावटी ड्रग सब्सटेंस है ठीक है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए इम्प्योरिटीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए तो इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है इम परफेक्ट सलेक्शन ऑफ ड्रग क्रूड ड्रग सब्सटेंस इम परफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ क्रूड सब्सटेंस इम परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट उसमें यदि हो तो ठीक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके ड्रग के आगे हम देखते हैं क्रू ड्रग ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स दो नंबर का आता है तीन नंबर का आ सकता है क्रूड ड्रग एग्जैक्टली क्रूड ड्रग क्या है क्रूड ड्रग कमर्शियली फॉर्म ऑफ फॉर्म ड्रग कमर्शियली फॉर्म ड्रग ये क्या है कमर्शियली फॉर्म है ड्रग का क्या है कमर्शियली फॉर्म जो क्रूड ड्रग है वो एग्जैक्टली exactly क्या है कमर्शियली फॉर्म है किसका ड्रग का ड्रग का कमर्शियली फॉर्म होता है ठीक है ना जिसे वेजिटेबल किंगडम से ले सकते हैं एनिमल किंगडम से ले सकते हैं जो मिनरल किंगडम से लिया जाता है क्रूड ड्रग वो होता है जो कमर्शियली फॉर्म होता है ड्रग का क्रूड ड्रग क्या है कमर्शियली फॉर्म है ड्रग का जिसे वेजिटेबल एनिमल एंड, एंड मिनरल किंगडम से लेते हैं और जिसे हम लोग मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और उससे का यूज़ कायमें होता है फॉर पर्पस ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन या प्रिपेयरिंग मेडिसिन मेडिसिन को बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है तो जब भी आप क्रूड ड्रग सब्सटेंस की बात करेंगे मींस कमर्शियली फॉर्म होता है जिसे वेजिटेबल एनिमल और मिनरल किंगडम से लिया जाता है जितने भी किंगडम्स होते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उसके ये मार्केट में अवेलेबल होता है और मार्केट से लेकर इसका यूज़ करते हैं प्रपरेशन ऑफ मेडिसिन में कहे के लिए करते हैं प्रपरेशन ऑफ मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है तो ये है क्रूड ड्रग मतलब कमर्शियली फॉर्म ऑफ ऑफ ड्रग ड्रग का एक कमर्शली फॉर्म है तो ये आपको आता है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में दो नंबर में तीन नंबर में आ सकता है आपको ये पता होना चाहिए आगे बात करेंगे नारकोटिक ड्रग्स जो नारकोटिक ड्रग होती है वो क्या होता है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नारकोटिक ड्रग नारकोटिक ड्रग द ड्रग प्रोड्यूस एबनॉर्मली डीप स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है जो ड्रग प्रोड्यूस करता है एबनॉर्मली डीप स्लीप प्रोड्यूस एब नॉर्मली एब नॉर्मली डीप स्लीप एब वर्ड आना चाहिए एब नॉर्मली डीप स्लीप प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है नारकोटिक ड्रग होता है ठीक है ना आगे देखते हैं नारकोटिक ड्रग में दे इन प्राइमरी एक्शन प्राइमरी एक्शन में अवे सेंसिबिलिटी सेंसेशन एंड इरिटेबिलिटी सेंसिबिलिटी सेंसेशन इरिटेबिलिटी सेंसिबिलिटी सेंसेशन एंड इरिटेबिलिटी से क्या होता है अवे होता है दूर होता है प्राइमरी एक्शन में क्या होता है इन तीनों से क्या होता है ये दूर होता है ले लेकिन इन सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है इंक्रीज करता है सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी क्या कर देता है ये इंक्रीज कर देता है प्राइमरी एक्शन में तो दूर रहता है प्राइमरी एक्शन में ये सेंसिबिलिटी से सेंसेशन uh, इरिटेबिलिटी uh, में से दूर रहता है लेकिन जब ये सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस करता है इन सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है Sensitive... ये एंड इरिटेबिलिटी का कर, कर देता है इंक्रीज कर देता है एंड आल्सो यूज इन मॉडरेट डोज इसका यूज़ में करते हैं मॉडरेट डोज मॉडरेट डोज देने के लिए भी नारकोटिक ड्रग का यूज़ करते हैं जिसके बारे में एफोज नंबर वन वन थ्री वन हंड्रेड थर्टीन एक सौ तेरह नंबर के एफ्रोज में बताया गया है कि इसे मॉडरेट डोज में भी यूज़ कर सकते हैं तो नारकोटिक ड्रग जो है एक एबनॉर्मल डीप स्लीप प्रोड्यूस करने वाला ड्रग सब्सटेंस होता है प्राइमरी एक्शन में सेंसिबिलिटी सेंसेशन uh, एडिटिबिलिटी से दूर होता है सेकेंडरी में ये सेंसिबिलिटी और इेटिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है एंड एफ्रोड नंबर वन वन थ्री एक सौ तेरह में वन हंड्रेड थर्टीन में ये बताता है कि इसको मॉडरेट डोज में भी यूज़ कर सकते हैं तो ये नार्कोटिक ड्रग की डेफिनेशन है का एक्सप्लेनेशन है क्रूड ड्रग का एंड ड्रग का ठीक है ना तो इसमें से तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बी एच एम एस के कोर्स में आते ही हैं ठीक है तो आपको ये आने चाहिए ठीक